पीएससी चेयरमैन जी का, जो इसके अध्यक्ष है, पेपर लिख कर आने में जिनका साथ घट रहा है, उनका हम लोग आज इसे पुतला दहन कर रहे हैं। जिस प्रकार से बुध शुक्रवार को परीक्षा हुआ है, उसके एक दिन पहले बिहार सरकार के अंदर जिस प्रकार की धांधली चल रही है, परीक्षा से पहले परीक्षा लीक हो जाए, पेपर लीक हो जा रही है, जो छात्रों के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, इसी के विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ पे मोर्चा निकाली हुई है। हम लोग का मांग है कि जो पेपर लीक की मामला है, इसमें जो दोषी है उसको जल्द से जल्द फांसी हो, और इस जो घटना हुई है इसके अंदर सीबीआई जांच की जल्दी से जल्द अनुशंसा की जाए। कहता है कि तीन गो इन लोग गोतिया राज बन गया है, यूपी बिहार और झारखंड, तीनों में पेपर लीक का केस आया है। यूपी में कुछ दिन देखे पहले कि यूपी पेपर लीक हुआ, यूपी पुलिस का, झारखंड में जेएसएससी का पेपर लीक हुआ, और अब बिहार में बीपीएससी शिक्षा भर्ती वाला पेपर लीक होता है। इसमें ओएमआर सीट में पहले से एंसर जो रहता है वो दिया हुआ रहता है, एंसर पहले से वहाँ मेंशन रहता है, और उसको देख करके सभी छात्र बाहर में रह के लिखे हैं। तो पहले छात्रों को दो चिंता रहता था कि हमारा एग्जाम कब होगा, हमारा परिणाम क्या आएगा। अब छात्रों को तीसरा चिंता भी करने लगे हैं छात्र कि हमारा कहीं पेपर ना लीक हो जाए। अब छात्रों के ऊपर तीसरा भी चिंता आ गया है कि कहीं पेपर ना लीक हो जाए। पेपर लीक का मामला सामने आया, क्या मांग लेकर आप लोग आए? आप लोगों को पता ही होगा जिस प्रकार से बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती इसकी परीक्षा ली जा रही थी, शुक्रवार को जो परीक्षा हो रहा था, नीतीश कुमार कहते हैं ये पेपर लीक हो गया, सर नीतीश कुमार लीक होते हैं, ये आज पेपर लीक हो गया बृहस्पतिवार को ही, उसके खिलाफ आज हम विद्यार्थी परिषद महानगर कार्यकर्ता छात्रों हित छात्र के हित में आज यहाँ आंदोलन के लिए खड़े हुए हैं। उन अभ्यर्थियों को क्या कहेंगे जो 300 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं? उनके ऊपर तो हमें शर्म आती है कि उनको थोड़ा भी शर्म आना चाहिए कि हम जो छात्र मेहनत करके अपना ऊर्जा लगाकर तैयारी करते हैं, उनके साथ वो धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनको डूब मरना चाहिए, वो क्या सजा मिलना चाहिए? सरकार से करेंगे जो कठोर से कठोर सजा हो सके वो सजा उन्हें देनी चाहिए। आप लोग पुतला दहन भी करेंगे? जी बिल्कुल, अभी हम लोग पुतला दहन करने वाले हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में जिस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम को खराब करने की नीति चलाई जा रही है, और भले ही आप एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने की दुहाई देते हैं, किंतु किसी भी राज्य में अगर पेपर से पहले, एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाता है और एडमिट कार्ड के पीछे आंसर शीट होती है, तो इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति किसी राज्य के लिए, उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए और क्या हो सकती है? 300 अभ्यर्थी जो पकड़े गए उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि विद्यार्थी बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करते हैं। हम लोग अभी एक एजुकेशनल हब के एरिया में खड़े हैं, ये बिकरा पहाड़ी मुसल्ला परहोत का जो एरिया है, यहाँ विद्यार्थी पूरे बिहार से विद्यार्थी आते हैं और काफी संघर्ष करते हैं, उनके परिवार की भी उम्मीदें जुड़ी होती है, साथ ही साथ उनके भी बहुत सपने होते हैं। तो आप भी ठीक प्रकार से पढ़ाई करें, और ये जो 10 लाख 15 लाख में जो ये सीट बिक्री का जो काम चल रहा है, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि अगर सिस्टम ऐसा बना हुआ है, ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई है, तभी सीट बिक रहा है और तभी विद्यार्थी ऐसा कर रहा है। विद्यार्थी के पास जब कोई विकल्प नहीं होगा उसको पढ़ना पड़ेगा, और इस वजह से जो जेन्युइन विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट से पढ़ने वाले, उनका रिजल्ट नहीं होता है, बल्कि जिनके पास पैसा है, चाहे वो खेत बेच के लाए, चाहे जहाँ से भी लाए। तो इसका अर्थ ये है कि क्या बिहार में अब जो सुखी संपन्न है, जिनके पास पैसा है, केवल उनके लिए नौकरी रह गई है, या फिर जिनकी पहुंच है सेंटर के पास, तो क्या केवल उनको नौकरी मिल पाएगी, या फिर विद्यार्थी, एक सामान्य विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, उनके साथ भी न्याय होगा, उनको भी नौकरी मिलेगी? मैं ये प्रश्न करना चाहती हूँ, और बिहार के विद्यार्थियों से भी एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोगों को इन लोगों से दूर रह करके अपनी मेहनत में भरोसा रखना चाहिए। साथ ही साथ ये हम सभी ये मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को किसी भी तरह की जो परीक्षाएं होती है वो एक निष्पक्ष परीक्षा हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिस्टम है, सिस्टम को बीपीएससी एक विश्वसनीय संस्था मानी जाती है। कैसे परीक्षा होगा तो निष्पक्ष होगा और ये सब चीज? पहले जो है ना, मन में जो ये चोर बिठाया गया है उसको निकालना पड़ेगा, और जो दोषी पाए जा रहे हैं पहले तो उसकी आप जांच करिए, और उसको जो दोषी पाए जा रहे हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, क्योंकि ये सवाल विद्यार्थियों के भविष्य का है, छात्रों के भविष्य का है, और छात्रों का भविष्य जो है देश का भविष्य तय करता है। आज
हैं बीपीएससी में जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर अब छात्र जो है यहाँ पे पुतला दहन करेंगे। किनका पुतला है? बीपीएससी चेयरमैन जी का, जो इसके अध्यक्ष है, पेपर लीक कराने जिनके साथ गया है उनका हम लोग आज इसे पुतला दहन कर रहे हैं। तो देखिए बीपीएससी चेयरमैन का जो है यहाँ पे पुतला दहन हो रहा है, देख सकते हैं जिस प्रकार से लगातार ये कहा जा रहा था कि बीपीएससी एक अच्छी संस्था है जो कि एग्जाम को अच्छे ढंग से कराती है, लेकिन पेपर लीक का जो मामला सामने आया है उसके बाद से जो है बीपीएससी के चेयरमैन पे लोग नाराज हैं और यहाँ पे पुतला दहन कर रहे हैं। बीपीएससी चेयरमैन का यहाँ पे पुतला दहन हो रहा है और देख सकते हैं यहाँ बीपीएससी चेयरमैन का पुतला दहन हुआ। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं छात्रों के बारे में और बीपीएससी में जो पेपर लीक हुआ है उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।